गाइस चलते चल 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 चलते चल पीछे देख के चल ले। मुसाफिर धूप का था मैं Hey cuties, welcome back to my new vlog. Guys, तो हम अपने होटल से चेकआउट कर चुके हैं, पकड़ तो सही, चेकआउट कर चुके हैं और अभी गाड़ी में लगेज वगैरह रख रहे हैं. लो, और रचित वहाँ पे होटल के रिसेप्शन पे बिलिंग विलिंग करा रहा है. इतने कम है तेरे भगवान की कसम, रोड पे घिसड़ता घिसड़ता लेके जाऊँ मसूरी तक, फिर भी दिमाग की कमी रहेगी तेरे में जिंदगी भर की. देख बड़े भाई, अगर तूने टी शर्ट पहनी होती मैं तेरे से बात करता. क्या हाल है? और बढ़िया. यहाँ एक चीज नोटिस करी कल रात, मेरे को मिक्की ने नोटिस कराई. मिक्की ना, किसने? यहाँ के सारे जितने बोर्ड है ना, सारे रेड कलर के हैं. इसने थोड़ी, इसको तो कुछ पता ही नहीं है. लक्ष्य ने बताया था. लक्ष्य ने नहीं, इसी ने बताया था शायद. नहीं, शायद हर्ष ने. हर्ष ने बताया था. बेल्ट बंदे पे जा रहे हो आप? हाँ. सामान वगैरह हो गया भाई? ये हमारा होटल था, ये रहा वो होटल, और हम, ये रही हमारी गाड़ी. रचित आ रहा है, फिर हम निकलते हैं. क्या मैं पहाड़ पे आ गया ना, तो मैं तोड़ दिया. अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना ये बैग? दिखा तो. उठा लाई थी मैं राखी पे ये बैग, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था. आपको पता है, आप समझ रहे हो ना, मेरा है यार, तेरे को रोस्ट कर रहे हैं. मेरा ही बात नहीं, आप समझ रहे हो ना. हाँ बस ठीक है, लोग है ही ऐसे यार. कैसा लगा मिक्की, मेरा बर्थडे सरप्राइज? इंजॉय किया ना गाइस? मैंने भी बहुत इंजॉय किया. अब घर जाने का वक्त आ गया. खैर अभी घर नहीं जा रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट पहले हम जा रहे हैं मसूरी, वहाँ से हम करेंगे शॉपिंग मेरे बर्थडे की, और कुछ भी घूमेंगे, इको पार्क वगैरह वहाँ जाएंगे, उसके बाद वहीं से फिर घर के लिए. मे बी क्या पहले हम, पता तुझे कहाँ जा रहे हैं, हमारा क्या प्लान है? हम यहाँ से जाएंगे पहले इको पार्क, फिर जाएंगे मसूरी शॉपिंग करने, फिर वहाँ से निकलेंगे घर. बढ़िया है भाई. सामान वगैरह हमने, लगेज वगैरह रख लिया है अपनी कार में, डिग्गी में पैक कर लिया है, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने. हालांकि मैं एक बार ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ अकेले, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी, बट ये लोग सब सो रहे थे, तो अभी इनके साथ जा रही हूँ दोबारा से ब्रेकफास्ट करने, मतलब मेरा लंच हो जाएगा. क्या बोल रहा है? एक सांस में कितना बोल गए, मुझे लगा अभी ये भी बोलोगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. और ये देखो गाइस, ये तीनों आगे आगे भाग रहे हैं, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, मुझे तो पीछे छोड़ दिया. हम है तो सर, बस सभी जिंदगी कट रही है. हंस के दिखेगी. सो गाइस, अभी हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं जिसका नाम है हिल व्यू, वहाँ पे बैठे हैं हम खाना खाने के लिए. हम लास्ट टाइम भी यहीं पे आए थे, तो इस बार भी यहीं पर आए हैं. बस डिफरेंस इतना है कि लास्ट टाइम ना हम वहाँ बैठे थे जहाँ ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं खाने का, ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे रहे हैं, वहाँ बैठे थे. इस बार हम इस टेबल पे बैठे हैं. और गाइस यहाँ से देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है, पीछे देखो पहाड़ी पहाड़, वादियाँ ही वादियाँ, ये मज़े आ गए. और हमने खाने में ऑर्डर दिया है, क्या दिया यार मेरे को तो पता ही नहीं, मैं भूल गई. पराठे, सिर्फ पराठे और बूंदी का रायता हम यही खाने वाले हैं, मतलब ये लोग खाएंगे. बूंदी रायता के मैं थोड़ा सा टेस्ट करूंगी. क्या चाय? चाय पिएगा? हाँ बूंदी चाय पियोगे? पराठे के साथ चाय ठीक रहेगी ब्रेकफास्ट. लेट्स सी भाई, अभी फरमाइश आई है ऋतिक को पीनी है चाय. आपको कुछ भी पी लेंगे, पैक मंगवा दें, शिवम साथ देगा. स्माइल लगी की रही, स्माइल लगी. तू क्यों हंसा? मैं टी पीऊंगा, टी पीऊंगा. इसके बाल कैसे आ रहे हैं देखो. हाँ वही देखा मैंने जब ये बाहर आया नहा के. कैसे अलग ही आ रहे हैं, जैसे लड़कियों के अपर लिप्स, अपर लिप्स आते हैं ना. नहीं तो बीच बीच में से बड़े हुए हैं इसके. हाँ जिस लड़कियों के अपर लिप्स आते हैं वैसे. नॉर्मल है, ऐसा लग रहा है मशीन चली यहाँ तक खराब हो गई. जितनी तेरी दाढ़ी आ रही है फिर उतनी गई है. उतनी तो है भी नहीं, उतनी यही है. और दिखाऊं रू है ये, और देखेगा रू है ये, यही नाप लियो. ये नकली, ये नकली, ये नकली लगा भाई. किस बारे में डिस्कशन चल रही है देख लो यार. देखो मैं दाढ़ी वाड़ी के मामले में तो कुछ बोलता नहीं क्योंकि क्योंकि तू मेरी बहन है. अब मैं क्या कह रहा था, उधर कौन सी पार्टी से आए मेरे पे थोप रहा है. अब ये बैग वैसे मिक्की का ही है शायद, है ना? हां
सच बोला कर, देख कहीं जाया कर, सच बोला कर। मैं आज तक के बाद छुपाता आ रहा था, बट आपने रिवील कर दिया। जा झूला झूल। गाइस ये देखो यहाँ पे सर धो रहा है ये। एवरनल चलाना? चला रही हूँ। ओ भाई चेकआउट मार दिया, फिर इसे याद आया अबे यार सर धोना था, मैं सर धोना तो भूल ही गया। नहीं सर धोया था बट उस टाइम शैम्पू नहीं था और उसके बिना ना अच्छे से मेरे को सेटिंग नहीं हो रही मेरे बालों की। अभी शैम्पू कर लिया ना अपने आप बाल मेरे सेट हो जाएंगे। भाई ये सही है, इसने देखो ये मेरे को अपनी शर्ट और ये टॉवल लगेज से निकाल के भी पकड़ा दिया और अब ये यहाँ पे सर धो रहा है। भाई वहाँ पे देखो बंदर, बंदर अपने बच्चे को लेके कैसे पेट में जा रहा है, मतलब जा रही है। ये सिनेरियो मस्त है, ये बंदर से भी अच्छा है। तो भाई हमने खाना वाना खा लिया है और खाने में मतलब पेट तो भर गया है। अभी हमारा कहाँ का प्लान है रचित, कहाँ का प्लान है, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं गाइस इको पार्क। क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ अभी हम जा रहे हैं इको पार्क, फिर जाएंगे स्पोर्ट्स पार्क और फिर एक और मोड होता है। शीशा भी तो चाहिए। शीशा मेरे को तो वहाँ का वेट है, जब हम मसूरी पहुंचेंगे शॉपिंग के फ्रंट कैमरे में देख के बालों में आग में शॉपिंग जाएंगे, वहाँ देखते हैं कुछ सूखने के बाद वगैरह खाएंगे तोलिए से, उसके बाद ऐसे हाथ मारूंगा सेट हो जाएंगे। फ्रंट कैमरे में चेक कर लूंगा। हां मतलब तू शॉपिंग कर लियो ना, लड़कियों को शौक होता है, हमें तो खाने का शौक है भाई। देखो यस धोलिया भाई सर। हां जी कैसा लग रहा है भाई? मस्त फ्रेशनेस आ गई। कैसा पानी था? एक नंबर चिल्ड। और अभी देखना कैसे बाल सेट होएंगे बढ़िया। भाई देखो रचित ने क्या किया, टॉवल मेरे गले में डांग दिया। मैं हैंगर हूँ कोई? नहीं ऐसे रखियो, बाल भी सेट कर लूंगा। पता है गीला गीला लग रहा है गर्दन पे, ऐसे रखियो बस बाल भी सेट कर लूंगा। हटा लेती हूँ भाई और इसको ऐसे लगेज में डाल देंगे तो लगेज में और कपड़ों में ऐसे सिलन की स्मेल नहीं आएगी ना? कुछ नहीं होगा, घर पहुंच के सारी मशीन में डाल दूंगी एक तरफ से। पकड़ ले यार बल्लू। हो गए ना बाल सेट? देखो गाइस हो गए ना बाल सेट, हो गए ना रेडी। अब आई बातचीत थोड़ी सी, देखो बढ़िया स्पाइक्स बने हैं। ने अपना चश्मा मेरे गर्दन में टांग दिया यार, तू क्या मैं खड़ी रहती हूँ, तू मेरे कुछ भी कहीं भी टांग देता है। मतलब अगर मैंने बाल धोने के लिए तेरे को थोड़ा सा कुछ कर दिया तो उसमें इतनी इशू बनाएगी तू? ठीक है भाई आगे से मैं कहीं रख दूंगा जमीन पे कोई ना, ठीक है? इतने नखरे थोड़ी ना चले जाएंगे, समझ रहे हो दोस्त, समझ रही है तू? अभी व्लॉग कट गया, अभी तेरे कोनी मारूंगे, रुक जा भाई। ये देख लो रचित को फोन में शीशा ऑन कर लिया और यहाँ पे बाल सेट कर रहा है। यार जुगाड़ का काम करना ना तो कोई रचित रोजा से सीखे। हो गए ना बाल? हाँ सेट हो गए, स्पाइक्स बने हैं। हाँ पहले अजीब से चिपके चिपके हो रहे थे। Yes. मेरे बालों को भी स्पाइक्स बना दो एक बार। कैची लाई हो रे? ना ना कैची नहीं, इसी से बना दो ना, इससे थोड़ी बनेंगे, कैची लगती है उसके लिए। कैची लगती है तेरे नजरों तो ऐसे ठीक है। पर सही हो गए बाल, सही है, वॉश कर लिए। अपना देख हम तो ऐसे करते हैं भाई। मैं भी कर सकती हूँ क्या? कर ले, तेरे लंबे बाल होंगे फिर वहाँ पे आप रील भी बना सकते हो पानी मिल के। हमने अपनी गाड़ी लगा दी है बिल्कुल खाई के बगल में, समझ रहे हो? और अभी हम यहाँ पे सारे बैठे हैं चाय पीने, क्योंकि चाय पीने का इतना मन है, इतना ज्यादा मन है। ठंडी जगहों पे चाय ना पियो तो फिर वाइब नहीं आती। सिबू ठंडी तो वैसे कह रही है जैसे तो बर्फ पड़ गई हो। भाई ठंड तो है ही, तुम्हें नहीं लग रही भाई? ठंड हो रही है, मैं कह रही हूँ 15 डिग्री टेम्परेचर है और इसको देखो पैंडो पहन के घूम रहा है। देखो हमें लगती ठंड ऐसी है अपना, जिसको लगी ठंड वो बेवकूफ। राइमिंग नहीं हुई बस, ये क्यों हंस गए मुझे पता है। मन में तो हुई। ओ भाई राइमिंग नहीं हुई लेकिन ये हंसे क्यों, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो भैया ने कहा तो मन में तो हुई। तुम सारे एक जैसे हो भाई। चाय के अलावा कुछ और लेना है तो ले लो। हैं नो रिस्पांस? नहीं यार तू ले ले, नहीं चाहिए दीदी चाय के अलावा कुछ तो। भाई सही में तेरे को सच में बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही। मैंने तो बस ये इसलिए शर्ट डाल रखी है कि थोड़ी फोटो वोटो अच्छी आ जाए, वरना मैं खुद बनियान में घूमूं। वो मैं भैया के साथ बैठा हूं तो इसलिए भैया ने अपने आप बात कवर करने के लिए अपनी बात बोल दी गाइस, लेकिन मैं फिर भी सैंडो में बैठा हूं, भैया ने फिर भी शर्ट पहन रखी है। भाई उसके लिए लुक्स मैटर करते हैं, तू तो छपरी है ऐसे घूमता रहता है। छपरी है मेरे तो शर्ट घूम रही है, 3-4 लड़कियां पीछे लेके घूम रहा हूं मैं छपरी। आज यू गर्ल्स चाय पियोगी? गर्ल्स राइट? दाढ़ी हटवा ले तुमने, दाढ़ी मुझ तू ही लगेगा गर्ल्स, अदाओं से भी बालों से भी। कौन सी गर्ल्स है जो तेरा नाम बदल देंगे लक्षिता? बढ़िया है भाई बढ़िया है। या फिर वो देख देंगे लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी
गाइस ये देख रहे हो, देख रहे हो मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ। मेरे इयररिंग्स कितने सुंदर है ना, मुझे ये इयररिंग्स अपने बहुत पसंद है और बहुत ही सस्ते में लिए थे, बट बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैंने दिलवाए थे ये वाले भी? नहीं ये वाले तुमने नहीं दिलवाए थे, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। हंसी क्यों आ रही है? क्या है? अब एक बार उधर। क्या? एक बार उधर। एक बार दिखा। एक बार इधर, एक बार उधर। क्या? ये क्या है? एक मिनट, ये देखो। मैं पहले फोन पे दिखा रही हूँ, पहले फोन दिखा रही हूँ, फिर इसकी शक्ल दिखा रही हूँ। भाई अच्छा था, अच्छा था। जो बंदा अपनी पर्सनालिटी अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा है, तुम उसको डीमोटिवेट क्यों कर रहे हो? है भाई जलते हैं यार ये लोग मेरे से। तू जलते हो, तुम लाइफस्टाइल से इसके? वही तो भाई, हम तो एक ही हैं, मैं जलूंगा क्या आपसे? ये जो दो, ये जो दो तेरी बातों के तो मतलब ही नहीं है। वो भैया समझ गए। ये आ गई हमारी चाय। आ गई भाई चाय, शुरू हो गया। देख कैसे पी रहा, देख देख शुरू हो गया यार। मलाई हो जाती है इसलिए। मलाई कब सुधरेगा? सही में मलाई कब सुधरेगा ये बता दे। सो गाइस हमने एंट्री ले ली है इको पार्क में और सारे तो चले गए, बस लक्ष्य मेरे साथ खड़ा हुआ है। हमारा ना प्लान था ये जो ऊपर आप पीछे देख रहे हो, ये इस पे करने का, एडवेंचर करने का, बट अभी बता रहे हैं आप 30 मिनट्स लेट हो। अगर आप 30 मिनट्स पहले आए होते ना तो हम इस पे कर सकते थे। अब कोई नहीं, अब नॉर्मल पार्क में घूमेंगे। इन्होंने पर बंद क्यों करा होगा दीदी? वो कह रहे हैं कि ऑफ सीजन चल रहा है और क्लाइंट्स है नहीं, कस्टमर नहीं है, तो इसलिए बंद करके चले गए। तो क्लाइंट्स आते जब भी ऐसे ही वहाँ से वहाँ तक जाना था, अभी भी वहाँ से वहाँ तक ही जाना है। पता नहीं यार, वो सेफ्टी होता होगा ना, कुछ सेफ्टी मतलब होती सेफ्टी होगी के लिए कोई खड़ा रहता, कोई खड़ा रहता होगा। चले भाई सही है, फिर भी बिना सेफ्टी के चलना भी नहीं चाहिए ना। 50 रुपए की टिकट, मतलब हम 6 लोग हैं तो इन्होंने 300 रुपए लिए हैं। भाई मैं जा रही हूँ, एक्शन बाद में करना। तुम तो मिल गई बारिश है, मैं गाना गा रहा हूँ, 1% उसका वो नहीं है। बस पहले मेरी बात चुप, क्यों गिरेगा, क्यों टूटेगा? दो दो है ना, पागल सी 100 किलो के तुम। अरे यार मैं नहीं गा रहा गाना भाई, अब गाते हैं ना, रुक जाओ ना, रिलैक्स तो होने दो। नहीं चढ़ाई करके आई हूँ यार, हाफ रही थी। नहीं मैं नहीं गा रहा, नहीं अब मैं गाती हूँ। कौन सा गाए बताओ? उकाटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। आऊंगी अभी, अभी कहीं और जा रही हूँ। और कैसे है पूरा शुरू से कैसे है ये? चलो भाई अब दोबारा गाना गाता हूँ, ठीक है? मुसाफिर धूप का था मैं, नहीं थी छाओ मीलो तक, मिले जो तुम तो मिल गई बारिशे। मांगू और क्या मैं रब से, आरज़ू है बाकी बाखुदा। मांगू और क्या मैं रब से, मांगू और क्या। अच्छा ना, कैसा गाइस गाना? ये तो हम वो गा रहे हैं जन्नत है जो पहले आया था, अभी हमारा नया गाना आ रखा है दुआ, तो वो वाला सुनो, वो वाला और अच्छा है और उसकी वीडियो और अच्छी है। yes. और गाइज हम लोग बहुत अच्छे हैं। yes. और गाइज आप लोग भी बहुत अच्छे हो, आप सच्चे बच्चे हो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। यस गाइज, तो अभी मैं बैठ के झूल रही हूँ इको पार्क में। रचित और कहाँ जाने का प्लान है? अभी देखते हैं, भाई अभी हम रील बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा डांस है, डांस की प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा है रचित, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता डांस, रचित को आता है थोड़ा बहुत। भाई वाइब तो है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। मेरा मन नहीं था पहले आने का, लेकिन यहाँ पे झूले वूले देख के अच्छा लगने लगा आने, मतलब अच्छा लगने लगा। फिर दे दे दोबारा कर, क्या कर रहा था? कर 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 ला दे। क्या 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 हो रहा है? मैं मारूंगा भी। अच्छा तुम्हारे का है, तुम्हारे का। ओए वो ओए नहीं, ओए यार लड़ाई मत करो यार प्लीज। देख देख मैं बोल ले आया अपना भाई। देख हम जैसे लोग होते हैं जो लड़ाई छुड़वाने की जगह वीडियो बनाते हैं। ओ भाई बस तो
सौ मिनट के अंदर आपको पांच पॉइंट की बढ़त बनानी होगी। अरे यार चश्मा दे तू पहले मेरा, हाँ फिर लड़ी हो भाई चश्मा दे, चश्मा दे रख दिया, आलू रख ले भाई चश्मा, अब करो फाइट, अब देख तू पॉइंट से अब देख तू गया लग जाएगी, अरे तो आ जाना भाई अंदर जाओ, अंदर जाओ बल्लू के अंदर, रिंग के अंदर बाबा रिंग भी बना रखा है, ये हमारा रेफरी देख लो कहां बैठा, और ये वो भाई ये देखो ओए 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 गिरा दिया जान पूछ के फेंका नहीं, ओ भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ओ भाई आ जा आ जा, अरे भाई गिरना मत, ओए नहीं 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 गिर जाओगे भाई, गिर जाओगे, अरे मैं जान के गिरा नहीं, पत्थर पे हार दूंगा, अब आ गया कोई ना, ओ भाई फोटो खींच दे उसको बुला दे, ये मेरा फोन रेड, ओए अब नहीं फोटो खींचनी मेरे फोन से, 16% हो गया गाइस की फोटो खींच दे यार, गाइस अभी पता है क्या हुआ, पता है मैं बताता हूँ ना क्या हुआ, भाई मैं यहाँ पे खड़ा था और मैंने सोचा ये थोड़ा सा तना यहाँ खड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता था ये ऐसे फेक है, मेरे को लगा ना खड़ा कर दो ना, खड़ा कर, मेरे को लगा पेड़ है ऐसे था ये, मैंने सोचा यहाँ से कूद के इस पे खड़ा होऊंगा, भाई जैसे कूदा ये ऐसे हो गया और मैं गिर गया, पर मर्द को दर्द नहीं वो स्त्री कलाना, ये देखो पीछे पूरी पैंट खराब हो गई भाई, व्लॉग और नहीं जाकर देखते ना, मेरी तो पहले हंसी निकली बाद में हंसी खुद को चुप करा के गई उठाने, इसीलिए मैं जब भी रजित के साथ स्टंट करता हूँ उसको हमेशा सबसे पहले भेजता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होने वाला है एग्जांपल के तौर पे, पहले देखता है कि करना सेफ है या नहीं है, हे भगवान ओ स्त्री तू मत आना, ये है स्त्री ये मत आना मत आना, ओ पुरुष इसकी रक्षा करना, तीन बार बोल दिया अच्छा। अब आगे बढ़ो दो घोड़े मैगनानी चार जी वैगनानी की बारी जो होना गाइस इको पार्क से हम एंजॉय करके निकल चुके हैं हम सब लोग, अब जा रहे हैं हम मसूरी, मसूरी में हम कुछ खाएंगे पिएंगे माल रोड पे, करनी है मेन शॉपिंग और वहाँ पे रचित मुझे कराने वाला है शॉपिंग, तो ज्यादा कुछ तो नहीं एक दो चीजें ले लूंगी मतलब यादों के लिए कि भाई ये गए थे मसूरी पे बर्थडे पे तो ये लिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना चीजें रचित मसूरी में महंगी मिलती है दिल्ली के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारी चीजें एक्सपोर्ट होके यहाँ पे आती है, ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे आती है चीजें, तो इसलिए जब शॉपिंग करनी है तो दिल्ली से ही करूंगी, बस एक दो चीजें बस यादों के लिए तो यहाँ से ले लूंगी, अगर ज्यादा कुछ अच्छा लग गया तो फिर वो अलग बात है फिर और भी ले लूंगी, क्या कहते हो रचित, जो मन करे ले लियो यार, देख मैं तो ये जो मन करे तू वो कर, नू ही बोला गया छोरा हमेशा, तेरे जो जी में आ रहा कर, देख जो तेरे जी में आ रहा है वो कर, बस मेरे भड़क मत कर, कूद जाऊं कूद जाऊं, जो तेरे जी में आ रहा है वो कर बस भड़क मत कर, कूद जाऊं फिर नहीं वो मत कर, यहाँ बना यार रील क्या सेक्सी आएगा सिर्फ काटियो। सो अभी हम पहुंच चुके हैं मनाली और मेरे को मनाली में एक शॉप दिखी है वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे एयर रिंग के कलेक्शन है, आपको तो पता ही है मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से एयर रिंग जरूर खरीदती हूँ, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है, मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया और आप मुझे बताना कि कौन कौन से आपको अच्छे लगे। गाइस ये देखो ये है वो एयर रिंग की शॉप, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर इयर रिंग्स हैं, इसमें से मैंने कुछ लिए हैं वो अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो जो जितने प्राइस के हैं ना उस हिसाब से लगाए गए हैं, इधर 200 वाले हैं इधर भी 200 वाले, फिर इधर 450 अराउंड, उधर 150 अराउंड, ये सब बहुत सुंदर है, अभी तो मैंने इयर रिंग्स देख ली हैं। गाइस चलते चल 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 कर पीछे देख के चल ले, गाइस बहुत तेज बारिश हो रही है कि हमें रेनकोट तक जाना पड़ गए हैं, अभी थोड़ा बारिश ठीक हो रही है वरना बहुत तेज बारिश हो रही थी बहुत तेज, इसको देखो ना इसको ठंड लगती ना इसको गीलापन होता कुछ नहीं, देखो भीग रहा है, समझ गए ना बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना,
बस यही चाहिए, इशारों इशारों में जो समझ जाए वो है शिकारी। गाइस आपको पता है मैंने तो रेनकोट पहन लिया था और ये बंदा देखो क्या कर रहा है। ये देखो जूते इसके पूरे गीले हो गए और ये डाल रहा है अभी पन्नी में, और पन्नी से ये चप्पल निकाल के पहनी है। लेकिन बंदे ने रेनकोट नहीं पहना क्योंकि तेरे को दे दिया था, ये भी तो बता। पर एक हर्ष को भी तो दे दिया था, वो भी तो पहन सकता था। कोई ना, वो बीमार है बेचारा। और क्या, जरूरतमंदों की सोचता हूँ मैं। कोई ना भाई, अच्छे इंसानों के साथ ऐसा ही होता है, भला भी कर दो उसके बाद मजाक भी उड़ा दो। उड़ा ले भाई, कोई नहीं। हर्ष तूने तो रेनकोट पहना था, फिर तूने कपड़े क्यों चेंज किए? यार मेरे को ना परसों ही फीवर हुआ था, तो मैं 1% भी चांस ही लेना चाहता हूँ कि मैं रेनकोट पहनना नहीं आया इसको। यार ये सब तो बहाने, देखो अपनी हेल्थ अपने हाथ में होती है, गलत तरीके हमें दूसरों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। अपने शरीर सबका अलग होता है, तो वो सब सोच के किया। ये देखो रचित क्या कर रहा है ये भाई। मैं पेरिस ने रेत के कर दिया, चूतिया ने मेरे भी हो गए रेत के। तो डिजर्व करता है, मैं नहीं करता ना। गाइस ये आप देख रहे हो, ये मैं हम चले आ रहे हैं करीब भाई 2 किलोमीटर हो गए हमें। हाँ। उस वाली लेन में फुल जाम लगा हुआ है क्योंकि इस तरफ का रोड टूट गया पूरा, पीछे लैंडस्लाइड हो गई थी। और अभी जाम चले ही जा रहा है, वो तो भाई शुक्र है भगवान का कि हमारी तरफ का खुला हुआ है। यहाँ पे समझदार लोग हैं, कोई रॉन्ग साइड से लेके नहीं आया अभी तक, वरना हम भी पैक हो जाएंगे जाम में। हाँ, ये आप गाड़ियाँ देख रहे हो साइड में, ये बहुत दूर से 2-2.5 किलोमीटर से ऐसे ही लगी बेचारी। देखो एम्बुलेंस फंसी हुई है यार, इसको रास्ता दो, निकालो भाई, निकाल निकाल निकाल। यार तुम्हारे अकेले के देने से क्या हो जाएगा, सबको देना चाहिए ना। अब यार देखो वो तो यार सबको एक साथ मिलके सुधरना पड़ेगा। कोई एक सुधरना चाहता है तो 100 बिगड़े हुए मिल जाते हैं। नहीं वो सुधरना पड़ेगा सबको, तभी तभी चलेगा। आपके सामने जब से ब्लॉग ऑन किया आप देखो यहाँ जाके खत्म हुआ है, ये खत्म हुआ है, वो 3 किलोमीटर के लगभग चला है जाम। I heard you good with them soft lips. Yeah, you know where to snap it up. Picture from your wide screen. Oh, it's been a night.